हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यशगुन पर। माई सेल्फ कोमल, और लास्ट के वीडियो में हमने सीखा था यूज ऑफ आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और उससे पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं यूज ऑफ बट एंड और। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ एज सून एज और नो सूनर देन का यूज। देखिए, एज सून एज और नो सूनर दोनों ही सेम वर्ड है सेंटेंस में, हम इन दोनों का ही यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही वर्ड का जो हिंदी मीनिंग है बिल्कुल सेम है, जैसे कि जो ही त्यों ही, या जैसे ही वैसे ही। ऐसे इन जो ये कंजक्शन जो है ऐसे सेंटेंसेस में आती है जहां पर एक काम के खत्म होने के तुरंत बाद में दूसरा कार्य शुरू हो रहा होता है, यानी कि एक काम अभी खत्म हुआ ही है, फिनिश, जस्ट बाद में दूसरा कार्य हो रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस में हम इनका यूज करते हैं। इनके भी कुछ रूल है, पैटर्न है, मैं आपको पैटर्न क्लियर कर देते हैं। पहले सबसे देखिए, सबसे पहले पैटर्न क्या कहता है कि नो सूनर, सबसे पहले क्या आएगा, नो सूनर आएगा, देन उसके बाद में हेड आना चाहिए, और फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये देखिए, पैटर्न दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। नो सूनर, सबसे पहले क्या आएगा, नो सूनर, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पीच। अब ये देखिए, यहाँ पर जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पीच यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस की कंप्लीट होने के तुरंत बाद में, जब इस सेंटेंस की कंप्लीट होने के तुरंत बाद में और सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होने से तुरंत पहले क्या यूज होगा, देन का यूज होगा, देन, THEN, देन का यूज होगा। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, सेकंड जो है, सेकंड सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पीच। आगे देखेंगे सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड पैटर्न क्या कहता है। सबसे पहले क्या आएगा, नो सूनर आएगा, नो सूनर के तुरंत बाद क्या आएगा, डिड आएगा, डिड के बाद फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, लगाएंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हमारा क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। याद रखना, यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि जो डिड है वो अपने आप में ही क्या है, एक सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हम जो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पीच है वो लगाने के बाद हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, और फिर हम क्या लगाएंगे, ये फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम देन का यूज यूज करेंगे, देन उसके बाद सेकंड सेंटेंस हम बनाएंगे। थर्ड रूल क्या कहता है, देखिए, नो सूनर, नो सूनर के बाद क्या आ रहा है, डू डज आ रहा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि आपको पता ही है, अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, डू डज में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगाते हैं एस और ईएस का यूज करते हैं। तो चलिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही रीच स्टेशन, ही हैड रीच द स्टेशन, द ट्रेन डिपार्टेड। जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा, ट्रेन चली गई। तो अब ये ऐसे सेंटेंसेस में हम कैसे इस वर्ब को बनाएंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर स्टार्टिंग में फिलअप है और फिलअप के तुरंत बाद में क्या आ रहा हो, हैड आ रहा है, फिलअप के बाद क्या आ रहा है, तुरंत बाद में हैड आ रहा है, तो हमने क्या कर देना है, बिना देखे क्या कर देना है, नो सूनर लगा देनी है कंजक्शन में। क्या लगानी है, नो सूनर। ओके, नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, देन द ट्रेन डिपार्टेड, ट्रेन चली गई, यानी कि वो भी स्टेशन पहुंचा ही था कि तुरंत ही ट्रेन चली गई। नेक्स्ट देखिए, डैश डिड ही रीच द स्टेशन, मैंने आपको कहा था कि फिलअप के तुरंत बाद में क्या आ जाए, डिड आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो सूनर का यूज करेंगे। ये इसकी पहचान है एक तरह से, जो जो कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करते हैं उनके लिए, तो फाइट करते हैं उनके लिए, तो ये बहुत ही बेस्ट है कि उनको, उनके लिए बेस्ट तरीका है इसको पहचानने का कि नो सूनर कहाँ आएगा, कि अगर फिलअप के तुरंत बाद में हेड आ रहा है, या तुरंत बाद में फिलअप के तुरंत बाद में डिड आ रहा है, तो इनको देखते ही हमें अगर कंजक्शन पुट करनी है तो हम नो सूनर का यूज कर देंगे। दूसरी पहचान इसकी क्या है कि आप सेंटेंस में इसमें देन का यूज भी आएगा, अगर फिलअप फर्स्ट सेंटेंस खत्म होगा तो उसके बाद देन की जगह कभी कभी क्या होता है, कोमा का भी हम यूज कर लेते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देती हूँ। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, डैश हैड द पुलिस केम देन द थीफ रैन अवे फ्रॉम देयर।
देखिए जैसे ही पुलिस आई, डैश हैड द पुलिस कम, जैसे ही पुलिस आई देन द थीफ रैन अवे फ्रॉम देयर, वैसे ही जो पुलिस जो चोर है वहां से पुलिस को देख के उस वहां से भाग गया। तो अब देखिए यहाँ पर एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो रहा है कि जैसे ही पुलिस आई और पुलिस को देखे वैसे ही क्या हुआ, चोर ने क्या काम किया, वहां से तुरंत ही भाग गया। एक काम खत्म हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा क्या काम क्या हो रहा है, चोर के भागने का। तो अब मैंने आपको रूल बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, नो सुनर कहाँ लगता है, अगर फिलअप के तुरंत बाद में हेड आ रहा है तो यहीं से आपको पहचान लेना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि नो सुनर के बाद अगर हेड आ रहा है तो कहाँ क्या यूज होगा, वहां पर नो सुनर, कोई यहाँ पे डाउट रहेगा ही नहीं। नो सुनर हैड द पुलिस कम, जैसे ही पुलिस आई तो चोर वहां से भाग गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, डैश द पुलिस कम देन थीफ रैन अवे फ्रॉम देयर। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो फिलअप के तुरंत बाद ना तो डिड आ रहा है ना ही हैड आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, एज सून एज का यूज, एज सून एज द पुलिस कम देन द थीफ रैन अवे फ्रॉम देयर। देखिए दोनों सेंटेंस सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है, फिलअप के तुरंत बाद में हैड आ रहा था तो हमने वहां क्या लगा दिया, नो सुनर। और यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में सीधा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ना हैड है ना ही कोई डिड है, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, एज सून एज। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, डैश आई हैव द इंफॉर्मेशन आई शैल टेल यू, जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे ही तो एस जैसे ही तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एज सून एज, आपको मैंने बताया था कि एज सून एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही या फिर जैसे ही वैसे ही, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, मैंने अब आपको कहा था देखो नो सुनर तो यहाँ पे यूज हो नहीं सकता क्योंकि मैंने कहा था कि फिलअप के तुरंत बाद किसका यूज होगा, या तो डिड आएगा या हैड आएगा, वहां हमने क्या लगाना है, नो सुनर लगा देना है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, ना तो नो हैड है और ना ही डिड है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, As soon as I have the information, I shall tell you, जैसे ही मेरे पास information आएगी मैं आपको बता दूंगा। यानी कि यहाँ पे भी दो काम, एक काम के तुरंत बाद दूसरा कार्य क्या होगा कि जैसे ही information मेरे पास आई मैंने आपको दे दी, तुरंत बाद मैंने ये काम, क्या काम किया, तुरंत बाद आपको information मैंने पहुंचा दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डैश डिड आई गो आउट द रेन स्टार्टेड, जैसे ही मैं बाहर निकला बारिश शुरू हो गई। तो अब यहाँ पे जैसे ही वही हम एज सून एज लगाएंगे या फिर नो सुनर लगाएंगे, नो सुनर का मैंने आपको बताया ही था कि फिलअप के तुरंत बाद में क्या आना चाहिए, हैड आएगा या फिर डिड आएगा। अब यहाँ पे हैड, यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, डिड आ रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, नो सुनर डिड आई गो आउटसाइड, जैसे ही मैं बाहर गया तो बारिश शुरू हो गई। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पे एज सून एज लगाना है तो एज सून एज आई गो आउटसाइड द रेन स्टार्टेड, आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं, एज सून एज आई गो आउटसाइड द रेन स्टार्टेड। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।